हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को कौन नहीं जानता होगा, अब उन्हीं के पार्टी के एक और चैंपियन निकल कर सामने आए हैं, वारिस पठान। जी हाँ, AIMIM के नेता वारिस पठान की ही हम बात कर रहे हैं, जिनका दिया एक बयान लोगों के बातचीत का मुद्दा बन गया है। एक सभा के दौरान वारिस पठान कहते नजर आए कि मुस्लिमों की आबादी अभी 15 करोड़ है, लेकिन ये 15 करोड़ उन 100 करोड़ पर भारी है, और अगर ये 100 करोड़ सड़कों पर आ गए तो सोच लो क्या होगा। क्या चलना पड़ेगा, आजादी लेनी पड़ेगी, और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला, माँ बहनों को आगे भेज दिया, खुद ब्लैंकेट में बैठ गए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनिया बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। उनके इस बयान के बाद चारों ओर उनकी आलोचना होने लगी। ऐसे में ओवैसी के वारिस को पायल रोहतगी ने भी लताड़ा है। अपने ट्विटर अकाउंट पर पायल ने वारिस पठान की तुलना विवादित बयान देने के लिए मशहूर एजाज खान से की और कहा कि ये तो एजाज का मिमिक्री आर्टिस्ट निकला, अब लिबरल्स इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलेंगे। इस्लामिस्ट हैं ये मुस्लिम नेता जो भारत में सिविल वॉर लाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उनके बयान को सुन भड़की पायल रोहतगी ने उन्हें जिहादी तक बोल दिया और कहा कि ये मदरसा के पास आउट्स आजादी चाहते हैं, ऐसे धर्म निरपेक्ष लोगों की भारत में कोई जरूरत नहीं है, इन्हें यहाँ से बाहर फेंक देना चाहिए। पायल के इस ट्वीट पर कई लोगों के रिएक्शंस भी आने लगे हैं। एक ने लिखा है, लावारिस वारिस पठान मुझसे ही लड़ लो, दंगा भड़का कर क्या मिलेगा। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ये सोए हुए शेर को छेड़ रहा है, जब 2002 में जो हुआ तो नानी याद आ गई थी। खैर, वारिस पठान के महज एक बयान देने से ही लोगों के धड़ल्ले से रिएक्शंस आने लग गए। लेकिन आपको बता दें कि अपने बयान में वारिस पठान मोदी शाह के खिलाफ जहर उगलने के बाद ये भी कहते नजर आए कि सीने पर गोली खाएंगे लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। वारिस पठान उन्हीं लोगों के मसीहा बन रहे हैं आज, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अपना वोटर आईडी दिखाकर अरविंद केजरीवाल को जिताया था, और फिर यही लोग कागज नहीं दिखाने की बात करते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार के लाए कानून की आड़ में लोग लगातार हिंसा फैलाने और मोदी शाह के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे इन लोगों में अकबरुद्दीन ओवैसी हो, असदुद्दीन ओवैसी, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप या वारिस पठान, ये वही लोग हैं जो कम्युनलिज्म फैलाते हैं। चूंकि इन्हें बखूबी ये बात पता है कि अगर ये ऐसी सोच नहीं रखेंगे तो राजनीति से इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब AIMIM के नेताओं ने इस तरह का बयान दिया हो, वो अक्सर ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं। बता दें कि वारिस पठान पूर्व MLA हैं और हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इन्होंने बाइकुला सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन जनाब हार गए तो आज बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। बता दें कि ये बयान उन्होंने कर्नाटका के गुलबर्गा में दिया था, जो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है।